तो फिर अब इसको लेता हूँ, निकलते हैं फिर घर। अब तो फिलहाल गन्ने का रस भी नहीं आए, यहीं पर राम चौक के पास, वो है राम चौक। ये मत डालियो कट कर दी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। और गाइज, बहुत तगड़ा सरप्राइज, सेकंड सरप्राइज जिसके बारे में मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका था, सेकंड सरप्राइज भी आ चुका है। अब देखते हैं क्या है वो सरप्राइज। फिलहाल कोई नीचे मेरे को बुला रहा है, नीचे जाना पड़ेगा। अब तो चलते हैं फिर नीचे और वो सरप्राइज आप लोगों को दिखाते हैं। यार बहुत ख़तरनाक सरप्राइज है यार, मज़ा आ जाएगा देख कर आप लोगों को। चलते हैं फिर नीचे सीधा। फिलहाल मैं डिलीवरी लेने के लिए आ चुका हूँ भैया के पास, और ये भैया इनसे ज़रा डिलीवरी ले लें इसकी, हम चलते हैं फिर। अच्छा भैया, ठीक है भैया। गाइस, मैं नीचे से फिलहाल ऊपर आ चुका हूँ और बहुत तगड़ा सरप्राइज मैं लेकर आया हूँ नीचे से, फिलहाल दिखा दूँ। गाइस, ये है वो सरप्राइज, इसको खोलते हैं ज़रा सबसे पहले। ये चेक, ये है वो सरप्राइज। फाइनली गाइस, F23 5G इज हेयर। गाइस, बीस्ट आ चुका है घर में। अब इसकी करते हैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग। पहले अनबॉक्सिंग कर चुके हैं भैया, जो लेकर आए थे ना डिलीवरी वाले भैया, उन्होंने अनबॉक्सिंग कर दी थी इसकी। खैर वैसे तो, पर लेकिन हम फिर भी एक बार करेंगे क्योंकि अपनी अनबॉक्सिंग करने का यार एक अलग ही मज़ा है। कुछ ज़्यादा खास है नहीं वैसे इसके अंदर ना, फ़ोन और बस चार्जिंग डाटा केबल। ये है चार्जिंग डाटा केबल, USB टाइप सी टू टाइप सी वाली चार्जिंग डाटा केबल आई है इसमें, ओरिजिनल सैमसंग। और ये चेक करो गाइस आप, ये है असली बीस्ट, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G इज हियर गाइस। गाइस फिलहाल मैंने मम्मा को बुलाया, मम्मा करेंगी इसकी अनबॉक्सिंग अपने हाथ से, इसको खोलेंगी। पहले इसकी पन्नी उतारेंगे मम्मी। फ़ोन का मैं मैंने सीरियनेस कर दिया है, अब इसको करते हैं बूट। हाँ जी, तो गाइस फाइनली बूट हो चुका है फ़ोन। इसको ओपन करते हैं और फिर उसके बाद सीधा इसको फ़ोन को फुल चार्ज कर लेंगे बार, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सीधा। और फिर उसके बाद करेंगे इसको सेटअप पूरा फाइनली, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। जी, तो गाइस फिलहाल इसको चेक करते हैं एक बार कि कितना परसेंट हो चुका है चार्ज फ़ोन, और ये हो चुका है फिलहाल 100%। अब इसको करते हैं सारे कॉपी ऐप्स और डाटा, इसमें लिखा चुका है कॉपी ऐप्स एंड डाटा, तो हम इसको नेक्स्ट करके फटाफट से सारा कॉपी वगैरह करके मिलते हैं। अब फटाफट से टाइम ले, आप इसको करिए इन्जॉय। हम करते हैं इसको सेटअप पूरा फ़ोन को, फिर उसके बाद फ़ोन सेटअप होने के बाद मिलते हैं आप लोगों सबसे। The next day। हाँ जी, तो गाइस फिलहाल मैं शैली वाले भैया के पास आ रखा था यहाँ पर थोड़ा मोबाइल का काम कराने के लिए, और ये भैया भी अभी शॉप खोली है इन्होंने। अब कवर मोबाइल में कवर लगाना है, टेम्पर लेना है, और इसका सैमसंग का चार्जर पता करते हैं भैया से एक बार कितने तक का मिल जाएगा, बाकी फिर सारा काम कराते हैं। भैया कवर ढूँढ रहे हैं फिलहाल, अभी मिल जाए एक बार कवर। हाँ जी, तो गाइस फिलहाल इसमें कवर लगवा लिया है और टेम्पर लगवा लिया है, बाकी अब चलते हैं फिर घर। और बाकी इसका सैमसंग का चार्जर भी ले लिया मैंने, ये है इसका सुपर फास्ट चार्जिंग वाला। तो फिर अब इसको लेता हूँ, निकलते हैं फिर घर अब। हाँ जी, तो गाइस भैया से मैंने पूरा काम करा लिया, चार्जर भी ले लिया। ये थे भैया, यहाँ पर अगर कोई भी सामान लेना है शैली कम्युनिकेशन है ज्वालापुर फाटक के सामने, ये भैया मिलेंगे या फिर करण भैया मिलेंगे यहाँ पर शॉप पर आपको। ये है पूरी शॉप, कुछ भी सामान लेना सब मिल जाएगा यहाँ पर। यार जैसे कि आप लोगों को बताइए, गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है, तो फिलहाल गन्ने का रस भी नहीं आए यहीं पर राम चौक के पास, वो है राम चौक हमारा, और ये भैया के पास यहाँ पर गन्ने का रस भी निकला है। मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का रस पियेंगे और फिर लेते हैं मम्मी को, मम्मी थोड़ी मार्केट में कुछ काम से आई हुई हैं। मम्मी यहाँ ताई जी के घर पर आ रखी थी, यहाँ पर भंडारा था यार। अभी तो हलवा ख़त्म किया, अभी ये खाना ला के दे दिया, छोले और पूरी, अब इसको खाना पड़ेगा, पेट में जगह है नहीं यार। मैं तो लेने आया था यहाँ पर मम्मी को, मम्मी ने मुझे ही बिठा लिया यहाँ पर ज़बरदस्ती, यार खाना खिला दिया, पेट पूरा फुल था, बस ज़बरदस्ती खाना पड़ा थोड़ा सा। यार कोई नहीं, चलो अब चलते हैं, बस मम्मी आ जाए स्कूटी उठा के फिर निकलते हैं घर पर।
Later that same evening. तो फिलहाल हम मिशोरा भाई के साथ जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, ऐसे ही पेंटागन की साइड जाएंगे दोनों लोग। बस एक बार वो आ जाए फिर वो आता फिर निकलता हूँ उसके बाद सीधा पेंटागन, उसका वेट कर रहे हैं यहीं पर रोड पर खड़े होकर। बस वो मुझे आने वाला है कुछ एक दो मिनट के अंदर आ जाएगा, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो आज फिलहाल यार सौरभ भाई से मेरी बात हुई है, उसकी चाबी ना मिल नहीं रही थी, फिलहाल उसकी चाबी मिल चुकी है। बस वो आ रहा है वहाँ से, निकल चुका है घर से, बस दो मिनट उसको लगने वाली हैं। उसका पेट्रोल डलाएंगे, पेट्रोल डला के निकलते हैं सीधा बाहर और दिखाते हैं फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए आज। हाँ जी, तो गाइस हमारे सौरभ भाई आ चुके हैं यहाँ पर फुल रेडी होकर। बहुत देर लगा दी यार, हमने इसकी चाबी नहीं मिल रही थी इसकी यार। क्या हुआ मैं बताता हूँ ना, कल देख ले, रिस्की है थोड़ा सा, रहने दे यार थोड़ा सा, बचाने के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी। क्या कुछ करा थोड़ी मैंने, कुछ करा थोड़ी। हाँ जी, तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं फिलहाल पेंटागन मॉल में, और ये हमारे सौरभ भाई, इसके साथ मैं आ रखा हूँ यहाँ पर सौरभ भाई के साथ। बाकी इधर थोड़ा सा रिलायंस में काम है, रिलायंस ट्रेंड्स में नहीं है, रिलायंस डिजिटल में है। बस चलते हैं घूमते हैं, थोड़ा सामान देखना वो देखते हैं। है डिजिटल है काम, डिजिटल नीचे है। हाँ सैटरडे है पर लेकिन सैटरडे के हिसाब से आज भीड़ नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, खाली पड़ा है सब कुछ। ये मैकडी खाली है, मॉल भी पूरा खाली पड़ा है। हाँ जी, तो आज फिलहाल हम रिलायंस के बाहर आ चुके हैं, ये अपना रिलायंस शोरूम, चलते हैं अंदर एक बार। जी, तो आज फिलहाल यार भैया से पता कर लें एक बार क्या सीन है, अगर अवेलेबल हो जाएगी तो फिर अवेलेबल करा के इनसे लेके निकल लेंगे, एक बार मिल जाए यार बस। यार वो तो मिली नहीं है क्या, चार्जिंग केबल यहाँ पर सौरभ भाई को चाहिए थी पर लेकिन मिली नहीं, क्या कर सकते हैं, अपना नसीब है यार सबका। यहाँ पर बंजी जंपिंग होती है, इससे बढ़िया बंजी जंपिंग तो ऋषिकेश में भी नहीं मिलेगी। बिना पर्ची के भागे भाई, कह रहा कि बिना पर्ची दिए निकलता है यहाँ से आज, देखते क्या होगा क्या बोलेंगे। रुक जा, पर्ची देखियो। अच्छा तेरे पास है, मुझे लगा खो गई। अभी केस हो जाता है बढ़िया वाला। अब तुझे नहीं दिखाएंगे पर्ची भाई, हो गई। हाँ जी, तो गाइस फिलहाल हम लोग पेंटागन से तो बाहर आ चुके हैं और पेंटागन से बाहर आके हम उतर चुके हैं फिलहाल शिवालिक नगर की रोड पर। अब हम लोग जा रहे हैं काठी रोल खाने के लिए और अब देखते हैं कि क्या हम खाते हैं वहाँ पर, या तो पनीर रोल खाएंगे या फिर खाएंगे वेज रोल। हाँ, पनीर रोल खाएंगे। दोनों के हमारे पनीर रोल आ चुके हैं भाई के, ये हमारा सौरभ भाई अपना रोल एंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अब। हाँ जी, तो गाइस फिलहाल पनीर रोल हम लोग खा के यहाँ से निकल चुके हैं, एससी की साइड है मिलाल अभी तो, अब यहाँ से निकल रहे हैं सर जरवाड़ा पुल, जरवाड़ा पुल से भाई मेरे को घर छोड़ देगा, उसके बाद ये अपने घर, फिर ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।
बाकी कमेंट करके बताना इस फ़ोन की टेस्टिंग कैसी लगी है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखी होगी इसकी अनबॉक्सिंग, और उसके बाद आप लोगों ने देखी इसकी फ़ोन की टेस्टिंग, तो बताना कमेंट करके कि लास्ट ब्लॉग के मुकाबले इस ब्लॉग की क्वालिटी कैसी लगी है। होप कर रहा हूँ कि क्वालिटी इंप्रूव हुई होगी, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई बोलेगा क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ जी, तो गाइस सौरभ भाई जा रहा है अपने घर, सौरभ भाई को कर दें बाय। ठीक है भाई, बाय। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल